आफ्टर एंड गेम देर आर ओनली फ्यू मार्वल प्रोजेक्ट्स जिसने वर्ल्ड वाइड एक तगड़ा हाइप क्रिएट किया है। डेडपूल एंड वुल्वरीन उनमें से एक है। और फाइनली एमसीयू की यह पहली आर रेटेड एडल्ट मूवी थिएटर्स पर रिलीज हो चुका है। मूवी कैसी है और क्या यह मूवी अपने हाइप पर खड़ा उतरा है, जानेंगे कुछ ही देर में। बट उससे पहले हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बी सिनेमैटिक। और आज आप देख रहे हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन का स्पॉइलर फ्री ऑनेस्ट सिनेमैटिक रिव्यू। सो दैट्स बीइंग सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। Let's fucking go. पहले ही कह रहा हूँ, डेडपूल एंड वुल्वरीन एक पावर पैक्ड एंटरटेनर है। एक डेडपूल मूवी से हम जो जो चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सारी चीजें ये मूवी हमें डिलीवर करता है। सबसे पहले स्टोरी की बात करें तो मूवी की स्टोरी कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, इट इज जस्ट सिंपली गुड। और मुझे नहीं लगता पुरानी डेडपूल मूवीज की स्टोरी उतनी भी खास थी। इट वॉज द प्रेजेंटेशन, ह्यूमर एंड द कैरेक्टर ऑफ डेडपूल जो उन मूवीज को यूनिक एंड एंटरटेनिंग बनाता है, और वो सेम थिंग यहाँ पर भी लागू होता है। टीवी के साथ मिलकर डेडपूल को एक नया मिशन अकम्प्लिश करना है, अपने चाहने वालों को सेफ रखने के लिए। अब ये मिशन क्या है और कैसे इस मिशन में वुल्वरीन जुड़ जाता है और डेडपूल के साथ मिलकर नए और पुराने खतरों का सामना करता है, वो ये मूवी बहुत ही ब्रूटल, ह्यूमरस एंड एंटरटेनिंग वे में प्रेजेंट करता है। अब मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मूवी के नाम में ही मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है डेडपूल एंड वुल्वरीन। इन दोनों की केमिस्ट्री लिटरली पूरी मूवी को कैरी करता है। डेडपूल वॉज डेडपूल, उसे जैसा होना चाहिए वो वैसा ही है। नो कॉम्प्रोमाइजेस फॉर एमसीयू। और मूवी की शुरुआती मोमेंट्स को डेडपूल अच्छे से होल्ड करके रखता है, क्योंकि मूवी में वुल्वरीन का इंट्रोडक्शन थोड़ा लेट होता है, और जब वुल्वरीन आता है देन दे लिटरली ब्रिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट टुगेदर। देन मूवी का म्यूजिक बहुत ही बढ़िया है और मूवी को एक नेक्स्ट लेवल वाइब देता है और थिएटर्स पे एक माहौल सेट कर देता है। इसके अलावा डेडपूल की मूवी है तो ह्यूमर बढ़िया होगा ही, ऊपर से मैंने हिंदी डबिंग में देखा है तो मजा और बढ़ जाता है। हिंदी डबिंग में रेफरेंस रिलेटेड ह्यूमर के साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं की गई है, सो ह्यूमर वर्क्स ग्रेट इन बोथ लैंग्वेजेस। देन एक्शन की बात करें तो इट वॉज गोर, ब्रूटल, स्टाइलिश, देखने में बहुत मजा आता है। और पता नहीं क्यों मुझे पर्सनली लगता है ये मूवी आर रेटेड होने के बावजूद जानबूझ के हार्डकोर नहीं जाता, यू नो एमसीयू फैमिली ऑडियंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सबके अलावा देर आर लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग कैमियोज इन दिस मूवीज, जो डेफिनेटली मूवी में सरप्राइज एलिमेंट्स के साथ साथ एक नॉस्टैल्जिया भी प्रोवाइड करता है। और साथ ही मूवी में भर भर के ईस्टर एग्स छुपा हुआ है जो हार्डकोर मार्वल फैंस को काफी एक्साइट करने वाला है। दैट्स इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अंडरवेलमिंग एस्पेक्ट्स, जिनमें से सबसे पहला आता है मूवी का ड्यूरेशन। बहुत सालों बाद अपना वुल्वरीन वापस आया है, जिस कैरेक्टर ने हमारे बचपन को यादगार बनाया था उसके साथ एक अलग सा एक मैजिकल कनेक्शन फील होता है। बट मूवी सिर्फ 2 घंटे की है तो कैरेक्टर्स के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता, ऊपर से स्क्रीन प्ले में एक जल्दबाजी नजर आता है। एंड दैट्स वाई मेरे हिसाब से इस मूवी को आराम से 15 से 20 मिनट एक्सटेंड किया जा सकता था। इसके अलावा मूवी के विलेंस को और भी पावरफुल वे में प्रेजेंट किया जा सकता था। दैट्स इट। सो ओवरऑल डेडपूल एंड वुल्वरीन ऑलमोस्ट वो सब कुछ डिलीवर करता है जो ये मूवी प्रॉमिस करता है। मूवी वॉज फनी, एंटरटेनिंग, ब्रूटल एंड नॉस्टैल्जिक एट अ सेम टाइम। ऊपर से संकेत मात्रे इज ऑल्सो बैक एज डेडपूल्स हिंदी वॉइस, जो इस मूवी को हिंदी में और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बनाते हैं। सो इफ यू आर अ हार्डकोर एक्समैन फैन देन आपको तो ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर सकते हो, तो इस स्पेशल मोमेंट को बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड डेफिनेटली डेडपूल एंड वुल्वरीन रीसेंट टाइम्स की मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। दैट्स इट। और इसी के साथ वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। डेडपूल एंड वुल्वरीन का स्पॉइलर डिस्कशन बहुत ही जल्द आने वाला है और उसे देखने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है। मिलते हैं बहुत ही जल्द हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बी ऑसम।